चुनाव में हर बार कुछ न कुछ नया जरूर होता है। अब अगर हम बात 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो बिहार की राजधानी पटना में किसी पीएम का पहला रोड शो हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो करके इतिहास रच दिया है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम करीब 6 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां पटना के भ्रष्टाचार्य रोड पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत पटना के भ्रष्टाचार्य रोड से शुरू हुई। करीब 2.5 किलोमीटर के इस रोड शो को देखने के लिए पटना की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रथ से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। यही नहीं, रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने रथ को खास तौर पर बीच बीच में रुकवाकर लोगों को धन्यवाद किया और देशवासियों को इतना प्यार दिखाने के लिए कई बार धन्यवाद किया। उन्होंने कई बार अपने रथ को इसलिए रोका ताकि किसी को भी इस चीज का दुख न हो कि पीएम मोदी पटना में पहली बार आके भी हमें नजरअंदाज कर गए। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। पटना के लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए अलग अलग इलाकों में जुट गए। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पटना की सड़कों पर अद्भुत नजारा भी दिखा। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह झांकी, पुष्प वर्षा, आरती, होर्डिंग का इंतजाम किया गया था। वहीं पटना के लोग पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए घरों की छत पर मौजूद रहे और हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन करते रहे। पीएम मोदी का ऐसा अनोखा रोड शो देश का पहला शो था। बता दें कि पीएम मोदी के रोड शो के लिए कई खास तैयारी की गई, जैसे उनके रथ में उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। वहीं रथ पर पीएम मोदी के साथ पटना साहिब उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद भी थे। इस दौरान सड़क किनारे मौजूद लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट भी जला दी। सड़क पर मौजूद लोग पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए काफी उत्साहित थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना में रोड शो करके इतिहास रच चुके हैं। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने पटना में कोई रोड शो नहीं किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो कर मंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा में दर्शन के साथ साथ अरदास भी करी। पहली बार पीएम यहां आए, उनके आने से स्वागत में सिख समाज के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर भी सामने आई है, वो पटना साहिब में लंगर परोसते दिखे। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंतर्गर्दी फैलाई है। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीबी और अभाव में धकेल दिया है। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद को अपने आलीशान महल खड़े कर लिए। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं क्या? राजद और कांग्रेस के लोग विकास कार्य में भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारेपन ने बिहार के कई दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से बिहार को बचा कर रखना है। बिहार में भी जंगल राज वाली पार्टी चारों खाने चित्त होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में रोड शो करके इतिहास तो रच ही दिया, साथ ही बिहार के लोगों का मन भी मोह लिया। पटना साहिब पहुंचकर दर्शन भी किए और चुनाव जीतने की अरदास भी की। अब देखते हैं पीएम मोदी के रोड शो का बिहार में क्या असर पड़ता है। आखिर किसकी अरदास पटना साहिब सुनते हैं।